हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में या इंटरकोर्स के बारे में। अगर ये आपने कर लिया है, आपके साथ ऐसा हो गया है जान के या अनजाने में, तो आगे आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं और कैसे आप उनसे बचो, कैसे उनसे डील करो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखिएगा सारी इन्फॉर्मेशन ताकि आपको पता चल पाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आप और भी ऐसे वीडियोज़ देख पाओ। और वीडियो पसंद आती हैं तो शेयर भी किया करो अपने जाने वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में और लोगों के साथ में, ताकि हम और भी लोगों तक पहुँच सकें। तो आइए शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो, जैसे कि या तो आपने कॉन्डोम यूज किया हो और वो स्लिप हो गया हो या फट गया हो, मतलब कि वो ठीक से यूज नहीं हुआ हो। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि आप भूल ही गए हो यूज करना, या फिर आपके साथ जबरदस्ती हुआ हो, कुछ किसी ने ज़बरदस्ती की हो। और नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपने बस बहुत एक्साइटमेंट में ये कर लिया। बहुत सारे लोग बहुत ही नादानी में भी ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि उन्होंने बाहर ही फॉल आउट किया होगा। बेसिकली लड़कों को अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ फेल भी हो जाती है, तो अनप्रोटेक्टेड वो करते हैं ऐसे रीज़न से। या बहुत सारे लोग सेफ डेज मान के चलते हैं कि अरे इस दिन तो सेफ है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, हम इस दिन कर सकते हैं। तो कुछ भी रीज़न रहा हो, चाहे आपने जान के किया हो या फिर एक्सीडेंटली ऐसा हो गया हो, तो आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला तो ये कि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो और तब आपने विदाउट प्रोटेक्शन किया है, तो ऑफकोर्स प्रेगनेंसी के लिए तो आप ट्राई ऐसे ही करोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो और फिर भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया आपने, और फिर आपकी अनचाही प्रेगनेंसी हो गई, और फिर आप क्या करोगे। तो अगर आपने अनप्रोटेक्टेड किया है और आपको डर है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो सबसे पहला तो ये कि विद इन 72 आवर्स आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा सकते हो, जो कि IPL के नाम से भी आती है, अनवांटेड 72 के नाम से आती है। इस तरह की पिल जो है वो इमरजेंसी के केस के लिए ही होती है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, ये रेगुलर पिल्स नहीं हैं, ये आप जब मन चाहें तब नहीं खा सकते, हर हफ्ते नहीं खा सकते, हर महीने नहीं खा सकते। ये सिर्फ पूरी ज़िंदगी में आप कभी कभार 2-3-4 बार ही खा सकते हो, ऐसे केस में कि जब इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े इसे खाने की, जब इमरजेंसी में जो नॉर्मल आप अपना कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे थे वो काम ना किया, कॉन्डोम फट गया या स्लिप हो गया या इस तरीके का कुछ भी आपके साथ एक्सीडेंट या इमरजेंसी हुई है, ये सिर्फ तभी के लिए होती हैं। रेगुलर बेस पे अगर आप इसे खाते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो, #BeBold प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इंटरकोर्स करने के जितनी जल्दी आप खा सकें ये पिल वो उतना ही अच्छा है, विद इन 72 आवर्स में ही लेनी है। 72 घंटे अगर आपने निकाल दिए उसके बाद में ये काम नहीं करेगी। अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी हो गई है तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एक अबॉर्शन पिल नहीं है। अगर बच्चा ऑलरेडी आपके अंदर है तो ये अबॉर्शन नहीं करती उसका, सिर्फ बच्चा होने नहीं देगी, उसे बनने नहीं देगी, प्रेगनेंसी नहीं होने देगी अगर 72 घंटे के अंदर आपने इसे लिया तो। उसके बाद में ये काम नहीं करेगी, ना ये रेगुलर पिल है ना ये अबॉर्शन पिल है, ये सिर्फ एक इमरजेंसी पिल जैसे होती है, जिसे आप ऐसे इमरजेंसी केसेस में ले सकते हो। अब बात करते हैं कि 72 घंटे अगर ओवर हो गए, उसके बाद अगर पीरियड्स मिस हो जाते हैं या फिर आपको और ऐसे साइंस दिखने लगते हैं कि अरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो, और आपको ऐसा लगे कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट लेके उसे चेक करना है। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको वो बच्चा अगर नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी अगर आपको आगे नहीं बढ़ानी है, तो ऐसे में कुछ तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप अबॉर्ट कर सकते हैं वो बेबी। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, ऐसा करूँगी मैं, ये सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको ढूंढने ना पड़े। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये वीडियोज़ दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके इनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो अब आपको क्या प्रोसेस लेना है। शुरू में ही अगर आपको पता चल जाए और इस पर आप एक्शन लो तो ज़्यादा अच्छा है। शुरू में सिर्फ एक दवाई खा के, गोली खा के भी आप अबॉर्शन कर सकते हो, नहीं तो आगे चल के तो बड़ा प्रोसेस है, या फिर नहीं तो आपको बच्चा जो है वो आगे करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के
केस में फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि या तो आप पहले अपना प्रिवेंशन करके चलें, इस नौबत पे आए ही ना कि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, और अगर हो जाती है तो क्या करना है, उस वीडियो में आपको उसका समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से तो आप बच जाओगे चलो इस तरीके से, लेकिन उसके बाद में अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो और आपको उससे एसटीआई हो गया यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, वो कैसे बचोगे। यहाँ तक कि अगर आप दूसरे ऐसे मेथड यूज़ करते हो जैसे कि आप पिल खा रहे हो, रेगुलर वाली पिल खा रहे हो प्रेगनेंसी से बचने के लिए, या फिर IUD आपने लगवाई हुई है, तो ऐसे में भी वो आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाता है। इससे बचने के लिए एक तो सबसे पहले तो आपको पार्टनर अपने चेंज नहीं करने हैं, एक ही पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। STI पे भी मेरी पूरी वीडियो है, उसमें आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस वीडियो में मैं आपको इतना बता दूँ कि STI से आपको सिर्फ कॉन्डोम ही बचा सकता है, वो भी अगर सक्सेसफुली आपने यूज़ किया हो, वो कटा फटा ना हो, तो तभी आपको उससे प्रोटेक्शन मिल सकती है। अदरवाइज नहीं तो आपको STI भी लग सकते हैं अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो। इसके अलावा आपको UTI भी हो सकता है, UTI यानी यूरिन इन्फेक्शन। वैसे तो ये पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से या हाइजीन ना मेंटेन करने से भी UTI हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान के साथ इंटरकोर्स करते हो जिसको पहले से UTI है, तो वो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप इंटरकोर्स करने के बाद थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो भी आपको हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नए कपल्स में UTI होने के, और ये मेल और फीमेल दोनों को होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हाइजीन मेंटेन करके चलें जब आप इंटरकोर्स करते हो, उससे पहले और उसके बाद में अपने उस पार्ट को वॉश जरूर करें। वैसे तो आप बाद में अगर बाथ लेने नहा लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप नहा नहीं सकते तो उस एरिया को सिर्फ वॉश ही कर लें तो भी सही रहेगा। और पी ज़रूर करें, यानी कि यूरिन पास करें, सुसु करें ज़रूर उसके बाद में, ताकि थोड़े बहुत जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर निकल जाएं। और यूरिन पास करने के बाद आप वॉश कर सकते हो, उस एरिया को सुखा सकते हो, और अपने अंडरगारमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखिए। अंडरगारमेंट्स क्लीन पहनिए, कॉटन के पहनिए, ये तो मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बोल ही चुकी हूँ अब तक, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है वहाँ का हाइजीन मेंटेन करना। और अपनी पैंटीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि वो अच्छे हों, कॉटन की हों, सूखी हुई हों। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जानबूझ के प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते, या फिर किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं यूज़ करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी सेफ हैं, उनको प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, क्योंकि वो यूज़ करते हैं फॉल आउट मैथड। जैसे कि बॉयज़ हैं वो कंप्लीट होने से पहले बाहर फॉल कर लेंगे, या दूसरा एक और मैथड बहुत ही फेमस है कि सेफ डेज़ में हम करेंगे। मेरे पास इसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एंड सेफ डेज पे तो मैं पूरी अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी और ये चैनल बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करे हुए है, बहुत अच्छे उनको व्यूज़ मिलते हैं, और वो एक डॉक्टर का चैनल है। बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स जो हैं उनकी वीडियोज़ देखते होंगे, और उन्होंने बिल्कुल गलत जानकारी दी है सेफ डेज के बारे में। एंड मुझे जब मैंने वो वीडियो देखी, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो और आप इतनी गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो, क्योंकि हर डॉक्टर जो अपने आगे लगाता है डॉक्टर, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी चीज़ का डॉक्टर हो जिसके बारे में वो बात कर रहा है। जैसे कि एक अगर डेंटिस्ट वीडियो बनाए किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही इन्फॉर्मेशन दे, उसने उसकी पढ़ाई तो नहीं करी ना, आप उस डॉक्टर नाम के पीछे मत चले जाया करो। तो मैंने वो वीडियो देखी, एंड सेफ डेज के बारे में उन्होंने बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप उनको फॉलो करोगे ना, उन टिप्स को, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, वो सेफ डेज नहीं होते हैं। मैं इस पे अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि सेफ डेज होते भी हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे काउंट करने हैं, किसके लिए सेफ डेज काम करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं, बहुत जल्दी मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। और दूसरा ये कि जो फॉलोआउट वाला मेथड है, उसमें चांसेस होते हैं कि हाँ ये आपका सही सही काम कर जाए, लेकिन कभी कभी ये काम नहीं भी करता है। कभी कभी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपने फॉलोआउट ही किया है, या कभी कभी आप फ्लो में, भावनाओं में इतना बह जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि आपका फॉल आउट अंदर ही हो गया, बाहर आप पुल आउट नहीं कर पाए। तो ये मेथड जो है ना, इन ये बहुत रिस्क वाले होते हैं दोनों ही मेथड, ये वाला सेफ डेज, इसको कैलेंडर मेथड कहते हैं, और दूसरा जो पुल आउट वाला मेथड है, ये दोनों ही बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं। अगर आप यंग हो, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आप अनमैरिड हो,
प्लीज़ इन मेथड्स पे बिल्कुल भी रिलायबल मत रहिए, आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो एक सॉलिड ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपने लिए चूज़ कीजिए जो सही में काम करे, जो आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करे, जो आपको ज़्यादा ये सेफनेस दे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर इन्फेक्शंस नहीं होंगे। क्योंकि अभी आप यंग हो, बहुत जल्दी चांसेस हैं आपके इन्फेक्शन पकड़ने के या फिर प्रेगनेंसी के, क्योंकि अभी आपकी बॉडी यंग है। तो प्लीज़ कोई भी चांसेस मत लीजिए। तो आई थिंक मैं जो समझाना चाहती थी आपको समझ आया हो। इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ अवेयर रहिए इन चीज़ों के साथ, कैजुअल मत रहिए, पता नहीं बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं और आपको बाद में इन चीज़ों के चक्कर में पछताना ना पड़े। तो मैं इसी नोट के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और मेरे चैनल पर बने रहो सही इन्फॉर्मेशन के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।